आजादी की 75वीं सालगिरह पर हमारे देश के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में असाधारण प्रदर्शन करके इतिहास रच डाला है। दरअसल बर्मिंगम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार भारत ने कुल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इन पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। इस बार के खेलों में भारत का ऐसा दबदबा रहा कि कई खिलाड़ी तो ऐसे थे कि उन्होंने अकेले ही एक से ज्यादा मेडल जीतकर दुनिया में भारत का डंका बजाया। गाइस, भारत के इन खिलाड़ियों के असाधारण प्रदर्शन पर पूरे देश को गर्व है। वैसे गाइस, आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, अगर कोई बैंक लूटने की सोचे तो सोचने से ही कोई बैंक थोड़ी ना लूट लेगा। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये बात है 1995 की, जब मैक ऑथर व्हीलर नाम का एक शख्स पिट्सबर्ग में बैंक लूटने पहुंच गया, और वो भी बिना कोई मास्क लगाए, क्योंकि उसका ये मानना था कि जैसे पुराने जमाने में स्याही पर नींबू डालने से स्याही अदृश्य हो जाती है, वैसे ही चेहरे पर नींबू लगाने से वो अदृश्य हो जाएगा। इसलिए चेहरे पर नींबू लगाकर ऑथर बैंक लूटने पहुंच गया, और इसका कॉन्फिडेंस भी ऐसा था कि उसने कैशियर को कहा कि डरो मत, मेरा चेहरा भी है, बस तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। ऑथर ने आराम से पैसे इकट्ठे किए और घर चला गया। पर अब क्योंकि इसके पहचान जग जाहिर थी, इसीलिए पुलिस ने चंद घंटों में उसे पकड़ लिया। गाइस, बेवकूफी की इस घटना पर अब साइकोलॉजी के सिलेबस भी चलते हैं। आपने कहावत तो सुनी होगी कि लोहे को लोहा ही काटता है, और इसी तर्ज पे पॉन्डिचेरी के वेक्टर कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट में अनोखा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। यहाँ पर मच्छरों द्वारा फैलने वाले डेंगू और मलेरिया का इलाज करने की कोशिश की जा रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया से लाए गए मच्छरों की मदद ली जा रही है। यहाँ लगभग 10,000 मच्छरों के अंडे लाए गए हैं, और इसकी शुरुआत 2017 से ही हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह की रिसर्च पहले से ही चल रही है, और उसी रिसर्च को समझते हुए इंडिया ने इसे अंजाम दिया है। इस रिसर्च में मच्छरों में खास प्रकार का बैक्टीरिया डाला गया है, जिसका नाम है वोलबाकिया। इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार ने बताया कि इस बैक्टीरिया के मच्छरों में चले जाने के बाद उस मच्छर के काटने पर भी डेंगू होने का खतरा नहीं रहता, और ये देखते हुए अब इस प्रजाति की संख्या को बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है, जिसमें इन मच्छरों को किसी एक इलाके में छोड़कर ये देखा जाएगा कि इंसानों पर इनका कितना असर पड़ता है और डेंगू के मामले में कितनी कमी आती है। गाइस, आप सब लोगों ने इनकम टैक्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी पिंक टैक्स के बारे में सुना है? नहीं ना, आइए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पिंक टैक्स कोई एक्चुअल टैक्स नहीं है, और गवर्नमेंट भी इसे लगाती नहीं है, लेकिन फिर भी कई बड़ी कंपनियां इस टैक्स को लगाती हैं, स्पेशली पिंक कलर की चीजों पर, वो भी महिलाओं के लिए। यानी कि ये जो टैक्स है वो महिलाओं को भरना पड़ता है एक्स्ट्रा पैसा देके। असल में कंपनियां पिंक कलर की चीजों को जानबूझकर महंगा बेचती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि महिलाओं को शॉपिंग करने का बड़ा शौक है, और उसमें भी पिंक कलर उनका फेवरेट कलर होता है। बस इसीलिए वो हर चीज, जैसे कि पर्स, जूते, कपड़े, लिपस्टिक, सब पिंक कलर में जरूर बनाते हैं, ताकि महिलाएं शॉपिंग के दौरान ज्यादा पैसा देकर पिंक कलर की चीजों को खरीदें और कंपनियों को भारी मुनाफा हो। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? वैसे आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में शॉपिंग के दौरान पिंक कलर की चीजें आती हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।